हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही डिलिशियस बर्फी बनाने वाले हैं, जो कि बनेगी शकरकंदी से और बहुत ही आसानी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। तो आइए चलिए बनाते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर में करीब 1.5 किलो शकरकंदी या स्वीट पोटैटो ले लिया है और इसमें करीब मैं 1 ग्लास पानी डाल दूँगी और प्रेशर कुक करने के लिए छोड़ दूंगी करीब 2 से 3 विसल तक। 3 विसल्स के बाद मैंने प्रेशर कुकर का फ्लेम ऑफ कर दिया था और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब ठंडा होने के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला है और देखिए हमारी शकरकंदी अच्छे से ये बॉईल हो चुकी है, तो इसको अब हम मैश कर लेंगे। मैंने 3 सीटी इसीलिए करी थी कि ये आसानी से मैश हो जाए, हमारे ज़्यादा एफर्ट ना लगे इसमें। और देखिए कितनी आसानी से ये मैश तैयार हो जा रहा है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में करीब 2 टीस्पून भर के मैंने देसी घी डाला है। जैसे देसी घी थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाता है, इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे काजू लिया है, बादाम लिया है और पिस्ता ले लिया है। इनको मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी जैसे कि इसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाए। ड्राई फ्रूट्स हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा उनको फ्राई करना है घी में। जैसे वो हो जाए उनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो रिमेनिंग घी है हमारा उसको हम फिर से यूज़ कर लेंगे। तो उसी कढ़ाई में हम अपना जो मैश है डाल देंगे और मैश डालने के बाद हम उसे अच्छे से भून लेंगे। मैश को पैन में डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो इसी घी में जो मैश है हमारा स्वीट पोटैटो का उसको अच्छे से भूनते रहेंगे, चलाते रहेंगे जैसे वो जले ना और भून भी जाए, जैसे वो इसका सारा मॉइस्चर चला जाए, पानी जो है इसका सूख जाए और ये अच्छे से घी में भून जाए। इसके बाद मैं इसमें 1 टिन कंडेंस मिल्क का डालूंगी जो कि 400 ग्राम है, इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद फिर हम इसको भूनेंगे अच्छे से। देखिए शकरकंदी का मैश और कंडेंस मिल्क को जब हम साथ मिला के भूनते हैं तो इसका फ्लेवर और खुशबू और बढ़िया हो जाता है। तो बनाने को तो हम इसे चाशनी बना के भी बना सकते हैं, मगर जो कंडेंस मिल्क का फ्लेवर ऐड होता है स्वीट पोटैटो के साथ वो बहुत ही बेहतरीन आता है। शकरकंदी का अपना फ्लेवर इतना अच्छा होता है, फिर उसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देते हैं तो बहुत ही डबल हो जाता है फ्लेवर, इसलिए मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। तो अब हम इसे देखिए अच्छे से भून लेंगे और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी जब थिक और हो जाएगी फिर इसको हम भुनना बंद करेंगे। अब हम इस मैश में जो है 1 टीस्पून भर के इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये इलायची पाउडर मैंने घर में ही बना लिया था क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्रेशनेस रहती है और ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। आप बाज़ार से भी पाउडर लेके डाल सकते हैं, बट प्रेफर करिए कि घर में ही पीस के बनाएं तो उसकी खुशबू बनी रहती है। इसको डालने के बाद फिर थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही हो गई है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 1 टीस्पून और देसी घी का ऐड करूँगी। इससे हमारा जो ये मिक्सचर है थोड़ा सा इसमें ग्लेस आ जाता है और थोड़ा सा देसी घी का फ्लेवर भी ऊपर से आता है। तो इसको ऐड करने के बाद बस अब हमने फाइनली इसको चलाना है और फिर फ्लेम ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का कंटेनर ले लिया है जिसमें मैंने बेकिंग पेपर भी लगा दिया है, उसके ऊपर ये मिक्सचर मैं निकाल दूंगी और उसको इवनली स्प्रेड कर लूँगी। तो इवनली स्प्रेड करने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कैसी थिकनेस चाहिए। तो मैं एक मीडियम थिकनेस के हिसाब से इसको सेट कर रही हूँ कि मेरी बर्फ़ी मीडियम थिकनेस से आए। आप उससे पतली भी बना सकते हैं, उससे मोटी भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करती है। तो मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर लिया है। फिर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स शुरू में आपको याद होगा जो मैंने थोड़े से फ्राई किए थे घी में, उनको मैंने बारीक काट लिया था, तो अब मैं उसी से इसको डेकोरेट कर दूंगी। तो ऊपर ऊपर आपने देखा मैंने काट के इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और इसको हर जगह पे लगा दिया है। मैं एक स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस कर दूंगी, फ्लैट कर दूंगी जैसे कि ये
बर्फी के मिक्सचर में अच्छे से लग जाए। देखिए हमने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स लगा के इसको सजा लिया है और ये बिल्कुल सेट हो गई है। तो इसको करीब हम 1 से 2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे, चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको सेट होने के लिए। देखिए हमारी बर्फी अब अच्छे से सेट हो गई है, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और अब मैं इसको पीसेस में काट लूँगी। तो पीसेस आप पे डिपेंड करता है आप कैसे शेप देना चाहते हैं, आप इसमें डायमंड शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्क्वायर शेप्स में काटने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मैंने इसको काट लिया है और एक प्लेट में भी इसको रख दिया है। आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आपने देखा ही होगा ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाया और ये हमने शकरकंदी से बनाया सबसे खास बात। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और आपको और आपके परिवार को ये बहुत पसंद आएगी।